मात्सुडा का इंटरव्यू चालू था और प्लान के मुताबिक एंकर उससे लगातार यहाँ वहाँ की बातें करके वक्त को धक्का दे रहे थे। दूसरी तरफ हमारी पूरी टीम कार में लगे कैमरास की मदद से लगातार हिगुची को देख रही थी। हिगुची की नजर साकुरा टीवी से हट नहीं रही है, इसका मतलब समझ रहे हो ना लाइट? हिगुची बहुत टेंशन में था। अचानक वो रैम से पूछता है कि क्या करना चाहिए। रैम पूछती है कि किस बारे में बात कर रहे हो। रैम, ये रैम कौन है? जहाँ तक मुझे याद है कार में हिगुची के अलावा तो और कोई भी नहीं है। हिगुची किसी से फोन पर भी बात नहीं कर रहा है, तो ये रैम है कौन? हमें समझ नहीं आ रहा था कि रैम है कौन और हिगुची किस से बात कर रहा था। रैम हिगुची से कहती है कि उसे योशिडा प्रोडक्शन में जाना चाहिए और फाइल ढूंढकर उस बंदे का असली नाम जानने के बाद उसे खत्म कर देना चाहिए। हिगुची उसका सही नाम जानने के बाद बाकी लोगों को मारने की भी बात करता है, जैसे मीसा को, उसके मैनेजर को और डायरेक्टर को भी। ये सब सुनकर मीसा को धक्का लगता है। चिंता मत करो, वो बाकी सबको मारने के बाद मात्सुडा को मारने के बाद कर रहा है। हिगुची लगातार रैम से बात कर रहा था। इस तरह उसको बात करते हुए देख हम सबका दिमाग खराब होता चला जा रहा था। आखिर वहाँ पर है कौन जिससे हिगुची बात कर रहा है, और ये रैम है कौन? अगर वो अभी किसी से बात कर रहा है और वो हमें नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि वो और किसी से नहीं बल्कि किसी शिनिगामी से बात कर रहा है लाइट। और आखिरकार हिगुची योशिडा प्रोडक्शन के ऑफिस में पहुँच जाता है। अब आएगा असली मजा। हमारी टीम योशिडा प्रोडक्शन में पहले से ही मौजूद थी। हम पहले ही कोड हिगुची को बता चुके थे, जिसको डालने के बाद वो एंटर हो जाता है। ऑफिस में वो जो कुछ भी कर रहा था, सीसीटीवी कैमरास की मदद से हम सब कुछ देख पा रहे थे। और आखिरकार हमारी रखी हुई फाइल वो निकाल लेता है। अब हमें पता चलेगा कि कीरा आखिरकार अपने शिकार को करता कैसे है। हमारी टीम उसे धर दबोचने के लिए तैयार थी। नाम पढ़ने के बाद वो डेथ नोट में लिख देता है और वहाँ से जाने लगता है। ये तो नाम लिखने के बाद चला गया, शायद कार में वापस आने के बाद वो कुछ करे। हिगुची कार में आकर बैठ जाता है। बड़ी अजीब बात है, हमें लगा था कि वो फौरन मात्सुडा को मारने का काम करेगा, लेकिन ये तो अपनी कार में आके बैठ गया। नाम जानने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ हिगुची कार में आके लगातार वो शो देख रहा था और इंतजार कर रहा था वक्त खत्म होने का। और आखिरकार वक्त खत्म हो जाता है और हिगुची अपना आपा खो बैठता है। हिगुची खुद से सवाल पूछता है कि ये मरा क्यों नहीं? क्या उसने बीच रास्ते में कहीं पर मात्सुडा को मारने की कोशिश की थी लाइट? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा रियोजाकी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे हिगुची लोगों को मारता है? हिगुची अपना फोन निकालता है। अब ये किसको फोन कर रहा है? मुझे लगता है ये मीसा को फोन कर रहा होगा। एल का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। हिगुची मीसा को ही फोन कर रहा था और मीसा ने दोबारा फोन काट दिया था। हिगुची के सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके थे। अब उसके पास सिर्फ इकलौता चारा बचा था, और वो था अपनी आधी जिंदगी रैम को दे देना और बदले में शिनिगामी आईज ले लेना। और हिगुची रैम से ये डील कर लेता है। हिगुची कौन सी डील की बात कर रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लाइट। अगर हमने हिगुची को अभी मारा तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि वो कैसे मारता है। हिगुची रैम से डील कर लेता है और उसके पास शिनिगामी आईज आ जाती हैं। हिगुची बहुत तेज कार चला के निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे एक ट्रैफिक कॉप पड़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उससे लाइसेंस और गाड़ी के पेपर्स मांगता है। हिगुची उस ऑफिसर का नाम देख लेता है और उसे डेथ नोट में लिख देता है। हिगुची उसका नाम लिखते ही गाड़ी भगा लेता है, और वही होता है जिसका डर था। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर बीच में ही मारा जाता है। वो मारा गया, लेकिन कैसे? हिगुची ने सिर्फ अपने हाथ को अपने बैग में डाला था। बैग में डाल के आखिर उसने ऐसा क्या किया जिससे उस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई? क्या अब हिगुची के पास भी सेकंड कीरा की तरह सिर्फ चेहरा देखकर मारने की ताकत आ गई है? टीम ध्यान से सुनो, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लो। लेकिन ध्यान रहे, उसके पास सेकंड कीरा की तरह ताकत है चेहरा देखकर किसी को मार देने की, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, ठीक है? हिगुची इस ताकत को पाने के बाद बहुत खुश था। एल एनपीए चीफ से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि अब कीरा की आइडेंटिटी के बारे में वो जान चुका है। वो उन्हें ये भी बता देता है कि कीरा सिर्फ चेहरा देखने के बाद मार सकता है, इसलिए कोई भी पुलिस ऑफिसर कीरा के पास ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। अब एक काम और करना है। एल मीसा को हथकड़ियां लगा देता है और उसे पूरी तरह बांध देता है। मुझे पता नहीं था कि तुम हेलीकॉप्टर भी चला सकते हो रियोजाकी। हेलीकॉप्टर और प्लेन चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है लाइट। हिगुची योत्सुबा ग्रुप के मेन ऑफिस जा रहा था। योत्सुबा ग्रुप के मेन ऑफिस में जाने की वजह ये थी कि हिगुची को मात्सुडा का चेहरा एक बार फिर से देखना था, ताकि वो उसका नाम जान सके। मेन ऑफिस में पहुंचने के बाद हिगुची को पता चलता है कि टेप्स को पहले से ही साफ कर दिया गया था। अब हिगुची के पास साकुरा टीवी के ऑफिस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। एल ने मेरे डैड को और वेडी को एक और काम सौंप रखा था, और उनका काम था हिगुची के आने से पहले मात्सुडा और एंकर की जगह पर उनके पुतले रख देना। और आखिरकार हिगुची साकुरा टीवी के ऑफिस में पहुंच जाता है। मोगी और आइबर भी साकुरा टीवी के ऑफिस पहुंच चुके थे और उनके चेहरे पर हेलमेट था। और हिगुची फाइनली शूटिंग रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पुतले देखने के बाद
उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। हेलमेट में पहुंची टीम ने हिगुची को चारों तरफ से घेर लिया था। सारी टीम को टिंटेड हेलमेट्स में देखने के बाद हिगुची के पास बस अब एक चारा बचा था, और वो था उन पर फायर करने का। और हिगुची मेरे डैड पर फायर कर देता है। फायर करके वो भाग जाता है और उसके पीछे बहुत तेजी से आए बढ़ जाता है। ये बहुत गलत हो रहा है, वो इस वक्त साकुरा टीवी से निकल रहा है। अब सिर्फ एक चारा बचा है, हमें फोर्सफुली उसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। हिगुची के पीछे सारी टीम लगी हुई थी। तभी हिगुची को अपनी आंखों के सामने सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां नजर आती हैं। पुलिस की सारी गाड़ियों के आगे टिंटेड ग्लास लगे थे। हिगुची ये समझ चुका था कि ये उसको फंसाने की चाल थी। हिगुची पुलिस को चकमा देकर भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे चारों तरफ से घेरा जा चुका था। अब उसके पास गिरफ्तार होने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो एक बार फिर से अपनी गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वटारी उसके टायर पर गोली मार देते हैं। अब हिगुची के चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस थी। ये सब होता देख वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से वटारी उसकी बंदूक पर गोली मार के उसकी बंदूक उसके हाथों से दूर फेंकवा देते हैं। फाइनली पकड़ा गया। तुमने सही कहा, आखिर वो कब तक भागता। अब हिगुची हमारी कैद में आ चुका था और उसके साथ में उसकी डेथ नोट भी थी।